हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉमी बेबी केयर में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने प्रेगनेंसी में कौन कौन से फूड आइटम खा सकती हैं जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि दूध, दही, छाछ, पनीर, चीज़, बटर, अंडा। ये बहुत ही ज़्यादा रिच फूड हैं। प्रोटीन लेवल को बढ़ाने के लिए ये अपने आप में एक कंप्लीट डाइट मानी जाती है। इसमें मल्टी विटामिन्स, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन बी, ये सारे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में जितने भी वाइट आइटम हैं वे फूड्स वे डेयरी प्रोडक्ट में शामिल होते हैं। और अगर आप दिन में इनका सेवन एक से दो बार करती हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन आपको खाने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी फूड आइटम आप उसे अच्छे से पकाएं, उसके बाद ही इसका सेवन करना है। जैसे कि दूध को अच्छे से बॉईल करके पीना है, अंडे को अच्छे से पकाकर खाना है, कच्चा दूध या फिर कच्चा अंडा आपको नहीं खाना है। अगर आप प्रेगनेंसी में इन सभी का सेवन करती हैं तो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसको अच्छे से पकाकर किसी भी फॉर्म में आप अंडे को पका सकते हैं, इसके बाद इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा लेग्यूम आइटम जैसे कि मटर, सोयाबीन, छोले, राजमा, मूंगफली, सभी दालें, इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फॉलिक एसिड होता है जो कि आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट, वजन बढ़ाने के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है और ये आप किसी भी तरीके से ले सकती हैं। तीसरी चीज है शकरकंद। इसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन ए होता है। शकरकंद आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। फोर्थ होता है फिश या फिर सिया फूड। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो फिर आप अपनी डाइट में फिश को शामिल जरूर करें, लेकिन आपको हफ्ते में एक या फिर दो बार ही लेना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, क्योंकि फिश में मरकरी होता है जो कि बच्चे के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसमें ओमेगा 3, DHEA, ये बेबी के आई डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन डी भी होता है जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप सैल्मन फिश का डाइट में ज़रूर शामिल करें क्योंकि इसमें कम मरकरी होती है। आप कोशिश करें कि हफ्ते में एक या फिर दो बार ही इसका सेवन करें। फिफ्थ होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ग्रीन वेजिटेबल, जैसे कि आपको ब्रोकली, पालक, भिंडी, गोभी, इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशन होते हैं जैसे कि मल्टी विटामिन, आयरन, विटामिन बी, विटामिन सी के, विटामिन ए, ये सभी न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। हरे पत्तेदार सब्जियां में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर होता है, ये प्रेग्नेंट महिला के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। जैसे कि उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या रहती है तो अगर वे अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल को शामिल करती हैं तो इससे काफ़ी हद तक आराम मिलता है और आपका डाइजेशन सिस्टम भी काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको कोई भी वेजिटेबल का सेवन पहले उसे अच्छे से वॉश करें, उसके बाद ही उसका सेवन करें, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको डायरिया, इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या हो सकती है। सिक्स नंबर है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में मैग्नीशियम, आयरन, मिनरल्स, पोटेशियम, ये सारे न्यूट्रिशन होते हैं। अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स को खाती हैं, दिन भर में एक कटोरी ड्राई फ्रूट्स आपको खाने हैं, थोड़ा थोड़ा करके खाना है आपको दिन में, इससे आपके बच्चे का मानसिक विकास और आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है और डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहता है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पानी। आपने देखा होगा कि आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान पानी पीना भूल जाती हैं और आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दिन भर में आपको कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना है, इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है और आपको चक्कर, थकान, मूड स्विंग्स, घबराहट जैसी समस्या नहीं होगी। अगर आप अपनी बॉडी में पानी का इंटेक पर्याप्त मात्रा में रखती हैं तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा आप जूस भी ले सकती हैं, अलग अलग फॉर्म में जूस ले सकती हैं, नारियल पानी पी सकती हैं, इससे भी आपकी बॉडी काफ़ी डिहाइड्रेट रहती है और आपको इन सभी समस्या से गुजरना नहीं पड़ेगा। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ दोस्तों, हमारे मॉमी बेबी केयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने बच्चे का ख्याल रखिए और अपना भी।